भागलपुर ब्लास्ट में मारे गए मृतकों के परिजनों से मिले चिराग पासवान, सरकार से की 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहां आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। भागलपुर में बीते दिनों हुए ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट में कई घर क्षतिग्रस्त भी हो चुके थे। शुक्रवार को घटनास्थल पर लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई के सांसद चिराग पासवान पहुंचे। चिराग ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। चिराग ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ा धमाका हो गया, 15 लोगों की मौतें हो गई, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सुध नहीं ली है। उन्होंने सरकार से वरीय पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। चिराग ने सरकार से मांग की है कि सरकार धराशायी मकानों को बनवाने का काम करे, साथ ही साथ सरकारी खर्चे पर घायलों का इलाज किया जाए और हर परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बिहार लाइव नाउ के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। घटना शायद ही कोई और ऐसी घटी होगी जहां पर परिवार के लोगों के सामने उन्हीं के परिवार के सदस्य देखते देखते उनका निधन हो गया। कुछ लोग खा रहे थे, खाने की अवस्था में उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो गई। सोए हुए थे, उनके ऊपर पूरा घर का मकान का मलबा उनके ऊपर आके गिर गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर साथ ही मैं मजबूती से ये सवाल भी शासन प्रशासन से पूछता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इसको मैं मौत नहीं बोलूँगा, ये निधन नहीं है, हत्या है ये। और इस हत्या को करवाने वाले हत्यारे कौन हैं, ये जवाबदेही तय करने का समय। क्या शासन प्रशासन हत्यारा नहीं है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रिहायशी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से आप इस तरीके से अवैध धंधे के कार्य को आप चलने की आपने सहमति दे रखी थी? यहाँ अगल बगल में दो थाना लगता है, डीएसपी का आवास मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है और ठीक उसके बीच में पिछले 20-22-25 सालों से, भगवान जाने कितने समय से, 20 साल की जानकारी हम लोग को इसीलिए है क्योंकि 2002 में भी एक ऐसी ही घटना संभवतः इसी स्थान पे घटी थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन खामोशी से आंखें मूंद कर बैठी है तो वो अगली बड़ी घटना के घटने का ही इंतजार कर रही थी ना। क्यों शासन प्रशासन ने पहले ही इस बात को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने इस यहाँ पे इस तरीके के कार्य को चलने की उन्होंने अनुमति दी? और अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। जिस शासन प्रशासन को 200-300 मीटर के रेडियस में नहीं पता हो कि क्या अवैध धंधे चल रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। पर अधिकारियों को क्या दोष दें जब प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके प्रदेश के 15 लोग एक हादसे में एकाएक मारे जाते हैं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर इन बच्चों से, परिवार के लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझते? किसकी जिम्मेदारी बनती है भैया अगर आपके प्रदेश में घटना घटी और आपके शासन प्रशासन के? पर अगर थोड़ा सा भी जमीन अगर उनका मौजूद है तो कम से कम पहले तो आए, मिले इन परिवार के लोगों से। और जो बेसिक चीज़ें हैं, इनका घर जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका निर्माण करवा के दें, मुआवजा दें ताकि घर परिवार के लोग अपना गुजर बसर कर चुके कर सकें, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज की फीस दे चुके दे सकें। कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को दिया जाए। इनका घर जो धराशायी हुआ है उसका निर्माण सरकारी खर्चे से करवाया जाए। और सबसे बेसिक चीज़ भैया,
कि जो लोग घायल हैं, ये तो कोई भी करता है, जो घायल है कम से कम उसका इलाज तो सरकार करवा सकती है। उसमें कितना खर्चा आता है, इन लोगों के लिए वो बड़ी रकम है, सरकार के लिए कितनी बड़ी रकम है, वो खर्चा कम से कम सरकारी खर्चे पर उनका इलाज करवा दे, इतना तो सरकार कर सकती है। कल मैं लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इंसानियत के नाते भाई हर चीज़ में नियम कायदे कानून नहीं देखे जाते, कई चीज़ें हैं जो नियम कायदे कानून से उठकर आपको देखने की ज़रूरत है। बच्चियां रो रही हैं, जवान लड़कियां हैं यहां पर, कल को भगवान ना करे उनके साथ कोई और घटना घट जाए, उनके साथ कुछ और हो जाए तो कौन जिम्मेदारी देगा। तो कम से कम आवास का निर्माण कराया जाए, मुआवजा दिया जाए ताकि ये लोग अपना घर चला सकें, घर परिवार के लोग चला सकें, जितने घायल हैं उनको यहाँ पे कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए और दोषियों को चिन्हित किया जाए। भाई आप सोच लेंगे कि एक थाना प्रभारी पर आपने कार्रवाई कर ली तो आपने बहुत बड़ा किले फतेह कर लिया, नहीं। जब तक बड़े अधिकारियों को आप चिन्हित नहीं करेंगे जिनके संरक्षण में यहाँ पे, भाई संभव नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप चाहेंगे मैं आपको लिख के दे दूंगा, संभव नहीं है कि बड़े अधिकारियों को पता नहीं हो कि यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। 2002 में जब घटना घटी उससे क्या आपने सीख ली, उसके बाद क्यों नहीं सुनिश्चित किया कि यहाँ पे इस तरीके का कोई धंधा ना चले, इस तरीके का कोई कार्य यहाँ पे नहीं हो, पटाखे बनाने का या जो भी, भैया बम बारूद भगवान जाने क्या चल रहा था। चार्जशीट फाइल करें और उस चार्जशीट में नाम जाना चाहिए उन लापरवाह अधिकारियों का भी जिनके संरक्षण में जो भ्रष्टाचार, जो घूस का पैसा हर महीने यहाँ से लेते होंगे, यहाँ तुम करो हम देखेंगे, तुम्हारे यहाँ कोई छापा नहीं पड़े। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लिखित रूप में भी मैं मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूँगा और उम्मीद करता हूँ, पर तब तक ये विश्वास दिलाता हूँ कि शांति से मैं भी नहीं बैठूंगा इस उम्मीद में कि भैया सरकार कुछ करे। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहां आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर।